नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थ्री एक्सपी आज का पॉडकास्ट होने वाला है सोलो जहाँ पे मैं अपने दिल की बातें आपसे शेयर करता हूँ और करते हैं थोड़े गुफ्तगु जिंदगी के बारे में आज का टॉपिक होने वाला है साइड इज इट जस्ट थियोरी इज इट जस्ट साइकोलॉजिकल थाट और इज इट जस्ट अ वे ऑफ से भाई तेरा ही अच्छा है यू मस्ट बी थिंकिंग कितना अतरंगी टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ बट Let's not think what people are thinking. Let's dive directly in the podcast. I am your host Kunal Raj, and you are listening to The Divinas Express, because first ever entertainment podcast where knowledge is fun. Enjoy. So coming to the point, there are endless debate discussions on this topic, and I feel there are two kinds of people.

दे विल भी हैप्पी दे विल भी कंटेंट कि भाई मेरे को मिला है देट इज़ मोर देन इनफ राइट एंड द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ अर्स आर नॉट यू नो कंटेंट विथ वॉट वी हैव यू नो काफ़ी अभी जो कहने जा रहा हो काफ़ी मशक्क़त से लिखा है मैंने उस ध्यान से सुने द रीज़न वाई वी आर नॉट कंटेंट इज बिकॉज वी आर कंपेयरिंग आर लाइफ्स वी आर कंपेयरिंग द बिहाइंड सीन्स ऑफ आर लाइफ्स विथ दी हाईलाइट रील ऑफ संबथ राइट इट चलो आप इतना बोल रहे हो तो मैं वापस रिपीट करता हूँ द रीजन वाई वी आर नॉट कंटेंट इज बिकॉज वी आर कंपेयरिंग द बिहाइंड द सीन्स ऑफ लाइफ टू सम लाइफ हाईलाइट रील्स यू नो हाईलाइट इज समथिंग वॉट वी शो द बेस्ट पार्ट्स ऑफ लाइक अ कमर्शियल जहाँ पे हम लोग बेस्ट पार्ट दिखा के एक यू नो मसाला लगा के एक, एक रेडी करते बट बिहाइंड पूरा यू नो मैस आउट रहता है बट एज अ व्यूअर उसको लगता है वाह क्या कंपनी ठीक है तो जस्ट दैट इज द पॉइंट एट द अदर डे आई वॉज रीडिंग दिस आर्टिकल विच समराइज दैट वी डोंट वैल्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग थिंग एंटिल वी लूज इट राइट आई थिंक यू विल बी श्योरली एबल टू रिलेट टू दैट आई टेल यू अ स्टोरी लाइक अराउंड सिक्स मंथ या एक साल पहले लाइक अबाउट मी इफ यू डोंट नो देन आई टेल यू अबाउट मी आई एम ए वीडियो एडिटर फिल्म मेकर एंड अ वीडियो एडिटर मेन इज माई वीडियो एडिटिंग एंड मोस्ट ऑफ अ वर्क कम्स फ्रॉम ओवरसीज सीज लाइक इट कम्स फ्रॉम यू एस यूके कैनडा एंड स्टफ सो इट्स अ साइट ऑन विच वी डू थ्रीलांसिंग सो छः महीने या एक साल पहले द वर्क वॉज रियली गोइंग गुड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन देट बट सिक्स मंथ पहले की बात बता रहा हूँ इट वॉज गोइंग रियली वेल ऑर्डर्स फ्लोइंग लाइक थर्टी फाइव फोर्टी ऑर्डर्स पर मंथ एंड वी वर यू नो विद दैट तो उसमें क्या होता है छोटा छोटा ऑर्डर्स वी विंग इट आउट बिकॉज वी ऑलरेडी हैड अ लॉर्ड ऑफ चंग टू डू वी वर प्लानिंग कि चलो नेक्स्ट मंथ अभी इस मंथ मुझे थर्टी फाइव ऑर्डर आया है तो नेक्स्ट मंथ आई विल मेक इट फोर्टी दैन वी विल मेक इट फोर्टी फाइव ऑर्डर्स बट देर वॉज अ पॉइंट वेर आर अकाउंट गॉट हैक्ड एंड एट दैट टाइम आई लिटरली जस्ट प्रेड कि भाई मेरे को फोटी फाइव ऑर्डर्स नहीं चाहिए आई जस्ट प्रे कि मुझे मेरा अकाउंट वापस मिल जाए

ठीक है थोड़ों का आर्ट रिकोगनाइज होने के लिए एक साल लगता है थोड़ों का लगता है तीन साल चार साल पाँच साल एंड टॉकिंग अबाउट साल लाइक like इतने सारे साल वी वी ऑफन गेट आस्ट बाय आर फॉलोअर्स लाइक कि भाई आपका कंटेंट अच्छा है और आपका यू नो रीच क्यों नहीं हो रहा Actually, है आई एम नॉट मेकिंग दिस हाफ एक्चुअल में आते हैं ऐसे नहीं कि ऐसे ही मसाला नहीं लगा रहा आते हैं कमेंट सा कि भाई है कंटेंट अच्छा अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बताया हमें कि कंटेंट अच्छा है क्या इम्प्रूव कर सकते सो so, आते हैं देन वॉट आई बिलीव कि इवन इफ द नंबर्स आर नॉट रीचिंग आउट वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द आर्ट वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन टू मेक इट अ बेटर फॉर्म ऑफ आर्ट अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट नंबर्स जिस दिन ब्रेक मिलना होगा उस दिन मिलेगा राइट right? सो या देट वॉज प्रेटी मच विथ दिस पॉडकास्ट एंड जस्ट अ इंटरेस्टिंग फैक्ट सम अनाउंसमेंट लाइक वी आर वी आर ऑन दिसकॉड जहाँ पे आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली यू कैन मैसेज मी एंड अ बिग शाउट आउट टू आर न्यू मेम्बर्स ऑफ द डिस्कॉड हु जस्ट टेक्सटेड में कि रिमाइंडेड में कि अरे आज मंडे है आज का पॉडकास्ट किधर है एंड देन हैम यू आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट यू नो सोलो पॉडकास्ट आफ्टर सो मैनी